बड़े ही अजीज खादिम प्रभु के दास पास रूप जी को भी जो दो गुना आदर दे जो समझे जाते ने बाइबल में आख्या जो ताडे सेवक ने संत ने और ताडे दो गुना आदर दे जो समझे जान सो इन्हां नूं मेरे वल्लों जल्द आउण यीशु मसीह दे नाम च मैं जय श्री दी आंदा मैं शुक्रगुजार हां सो यहोवा परमेश्वर दा जिहदी दया दे नाल मैनूं अज शाम यह मौका मिलिया मैं प्रभु दे वचन दे विचों तुहाडे सभना दे नाल बैठ के प्रभु की महिमा कर सका और परमेश्वर के कलाम विचों तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां कर सका शुक्रगुजार हां मैं प्रभु के दास जी का असरूप जी का इन्हां दे पूरे परिवार पूरी टीम का तहे दिल तों शुक्रगुजार हां जिन्हां ने जो समझा कि मैं प्रभु की बाणी दे विचों तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां कर सका मेरी दुआ प्रभु अपने दास दी तमाम सेवकां दी दम बधावे और हरेक लोड़ा थोड़ा पूरा करे और मेरा शुक्रगुजार हां इस परिवार का जिन्होंने अपने घर के दरवाजे परमेश्वर के लोगों लिए परमेश्वर के दास लिए खोलिया मेरी दुआ इसे रीति ना परमेश्वर इन्होंने स्वर्गीय दरवाजे खोले और शुक्रगुजार आप सब का जो अपने कीमती समय काढ़ के इस जगह दिते है मेरा विश्वास है आदि शाम असी इकट्ठे हुए हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ सानू जरूर गलबात करेगा और साड़ी जिंदगियों में अपनी बरकतों देगा आधी रात छुटकारे की रात होगी हालेलुया सो आई असी कलाम के वाल चलेंगे मैं 10 to 15 मिनट लवांगा उहदे तो बाद असी कलाम नू समाप्त करांगे और प्रभु दे बाणी दे विच असी जल्दी ना असी सफन्या दी किताब और सफन्या नबी दी किताब छोटे नबिया दे विचो पुराने नियम दे विच सफन्या नबी दी किताब हबकूक तो बाद और हजाई तो पहला सफन्या नबी दी किताब उहदा एक अध्याय उहदी 14 आयत मैं पढ़ देना चाहांगा सफन्या नबी दी किताब उहदा एक अध्याय उहदी 14 आयत मैं पढ़ांगा जरा गौर ना सुनना यहोवा का भयानक दिन निकट है वह बहुत वेग से समीप चला आता है यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है प्रभु सुने गए सुनाए गए ते कबूल किते जाते सानू सारे बरकत देवे आमीन सो बाइबल दे विच पालूस रसूल कुरंथिया की कलिसिया आखदा 11 अध्याय कहिंदा जो गल मैं परमेश्वर को पाई मैं तुहाडे विच रख देना तुहानू दस देना इस रीति ना फिर जब असी अगे जाके बाइबल की अखीरली किताब प्रकाशित वाक्य पढ़ते मुकाशवा की किताब पढ़ते उस जगह उत्ते परमेश्वर का दास योहन्ना के द्वारा परमेश्वर आखदा जिदे को कन होन सुन भाई आत्मा कलिसिया बड़ी तेजी आ रहा है बहुत ही भयानक है और लिखा वो यहोवा दे दिन दे आवाज सुनाई दिंदी है और जेडे जवान ने वीर ने जेडे सूरवीर ने उन्हां दे उत्ते दुख आ रहे ने ते ओ चिल्लाउंदे जद असीं इस किताब नूं पढ़दे हां तां इस जगह दे उत्ते सानूं पता चलदा है ये इजराइल दे लोग यहूदा दे लोग ने ये यहूदा दे लोग ऐसे लोग ने परमेश्वर दी कौम ने परमेश्वर दी निज प्रजा ने परमेश्वर ने आप इन्हों आवाज़ मार के अपने कमां लिए बुलाया और बाइबल दे विच असीं जब देखते हैं ये लोगों ने की किया जब यहोवा ने इन्हों छुड़ाया इन्हों निस्तारा किया इन्हों पापा तो आजाद किया इन्हों दुखों नू मिटाया तो यही लोग परमेश्वर के एक दिन खिलाफ हो गए ये उस परमेश्वर के अगे बुड़बुड़ा लग गए उस परमेश्वर के नबिया के खिलाफ हो गए जिस खुदा ने नबिया के द्वारा इन्हों का छुटकारा किया जिस खुदा ने इन्हों इन दुखा दे आके इन्हों मुश्किलों के आके उस समय मदद की जब इन अगे कोई नहीं सीगा जब इन छुटकारा करने कोई नहीं सीगा अज यहोवा ने इन्हों छुटकारा दिता है अपने घर वधिया खांदे पींदे वसदे ने रहिंदे ने पर बाइबल दे विच लिखा ये ऐसे लोग हो गए ने अच्छा खांदे होए अच्छा पींदे होए भी ये अपने परमेश्वर यहोवा दा धन्नवाद नहीं करदे और ढीठ हो गए ने और ये अपने दिलां नूं इन्हां ने सख्त कर लिया इन्हां दे दिमाग परमेश्वर दे कम्मां तों हट गए ने
सिर्फ परमेश्वर ने ऐसे करके इन्हां नूं बुलाया सीगा, इन्हां नूं ऐसे करके छुटकारा किया सी, ऐसे करके इन्हां नूं सुख दिते सी, ऐसे करके इन्हां दे आले दुआले अपने स्वर्गी दूतां दी वाट लाई सी कि ये मेरी सिर्फ आराधना ही कर। आराधना की कर रही जिवें असीं अज बैठ के प्रभु दा धन्नवाद करें। ये यहूदा दे लोग भी ऐसे ने, पर बाइबल दे विच लिखा इन्हां दे मन सख्त हो गए ने। फिर परमेश्वर ने सफन्या नबी, बाइबल नूं असीं जद पढ़दे ए इज़राइल दे बारे, ए इज़राइल पाप करी जा रहा, यहोवा दे खिलाफ जाई जा रहा, फिर यहोवा माफ करे, एक बार फिर इन्हां दे नाल अजिहा होया। ए सफन्या नबी दे द्वारा परमेश्वर ने गल कीती कि इस इन्हां यहूदा दे लोकां नूं कह हुण मेरा दिन इन्हां दे उत्ते आ रहा, परमेश्वर दा न्याय इस कौम दे उत्ते आ रहा, बेशक मैं इन्हां नूं छुड़ाया, बेशक मेरे दूतां दी वाट इन्हां दे आले दुआले, क्योंकि बाइबल दे विच लिखा हे इज़राइल ना डर, मैं तेरियां कंधां दे आले दुआले की बाले ने राखे पाले हुए ने। और बाइबल दे विच लिखा जद तक यहोवा ही ना किसे देश दी किसे नगर दी राखी करे तां जागण वालिआं दा जागणा व्यर्थ है। यहोवा खुद इन्हां दी राखी करदा है, यहोवा खुद इन्हां दे विच रहिंदा है। और ये ऐसे खुदा दे पिछे जा रहे ने जो बेजान ने, ये यहूदा दे लोग ढीठ होके उन्हां दे मगर जा रहे ने जो बेजान ने, जिन्हां दे हाथ हुंदे होए भी वह हाथ नहीं चला सकते, जिन्हां दी अखां हुंदे भी वह नहीं देख सकते, वह बनाए हुए माबूदा दे अगे, वह बनाए हुए मूरत दे अगे अपने सजदे नूं कर रहे ने। और ये ऐसे चीज़ा दे मगर जा रहे ने, ऐसे काम कर रहे ने जो यहोवा नूं पसंद ही नहीं 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 गए। और बाइबल दे विच लिखा यहोवा कहिंदा मैं जिउंदा हाँ, और बाइबल दे विच लिखा यहोवा कहिंदा जिन्हें हाथ दिते वह काम भी करदा है, और जिन्हें अखां दित्तियां वह देखदा भी है, जिन्हें कन्न दित्ते वह सुनदा भी है। वह मूरत दा लकड़ दा या लोहे दा चांदी दा सोने दा बनाया काठ नहीं है, वह जिउंदा है, वह चलता फिरता बोलता है, जिउंदे नूं छड्ड के मरियां दे पिछे जाना शुरू कर दिता। तो यहोवा दा क्रोध इस यहूदा दे उत्ते आया, तो परमेश्वर कहिंदा देखो हुण अजिहा दिन आउंदा इन्हां दे जिहड़े सूरबीर ने उन्हां दे उत्ते परमेश्वर दा क्रोध आ पड़िया। याद रखिए ये समा, ये अंत दा समा, आ तो 2023 साल पहला यीशु मसीह साडे लई मारिया गया, मुरदिआं विच दफनाया गया, और तीसरे दिन मुरदिआं विचों जी उठा, और अज भी वह जिउंदा। यीशु दे खून खरीदे हाँ। कई लोग मसीह नूं जानते हुए भी यीशु मसीह दे कोलों छुटकारा पा के भी वह यीशु मसीह तो दूर हो गए। कई लोग मसीह नूं जानते हुए भी ये प्रभु दे दास ने तो कुछ दिन पहला बहुत अच्छे वचन की मुनादी की सी, असी यीशु नूं मानते पर यीशु दियां नहीं मानते, असी यीशु नूं मानते पर यीशु दियां नहीं मानते, असी नाम दे आ कि हाँ मैं क्रिश्चन हाँ, मैं चर्च जाण वाला विश्वासी हाँ, पर साडे काम साडा जीवन साडा चाल चलन बाइबल दे अनुसार नहीं है। याद रखिए बाइबल दे विच परमेश्वर आख रहा यहूदा दे लोकां नूं कह दिया कि हुण वह दिन आने वाला, अंत दा दिन आने वाला, इस समय दे विच खुदा ने सानूं छुटकारा दिता। इजराइलियां नूं इन्हां यहूदियां नूं भी परमेश्वर ने अच्छा रहण नूं मकान दिता, खाण पीण नूं अच्छा भोजन दिता, पाउण नूं अच्छे वस्त्र दिते, वड्डे वड्डे काम किते। अज भी यीशु मसीह दे नाम च साडी जिंदगियां दे विच, साडे घरां परिवारां विच, साडे आले दुआले, साडी कलीसिया विच यीशु दे नाम विच काम हो रहे ने। पर जेकर असी यहोवा दे कोल मुख मोड़ लैने आ, यीशु नूं जाण के असी गैर मबूदा दे अगे उन्हां चीज़ां दे पिछे भजदे आ जिन्हां दे विच कोई जान नहीं हैगी, जो बाइबल दे खिलाफ ने, जो परमेश्वर नूं घिनौनियां लगदियां ने, जो परमेश्वर दे वैरियां दे वल जाने आ, ते फिर यहोवा दा दिन आउण वाला है। याद रखिए इस दुनिया दा नाश होवेगा। बाइबल दे विच लिखिआ यीशु कहिंदा मैं अख दी चपक दे नाल इस दुनिया दे उत्ते आवेगा। और यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने लिए आ रहा है। असी दुनियादारी दी बरकत वल ना रहीए, साडा छुटकारा है। जेकर साडी जिंदगी च कोई मुश्किल ने, बीमारियां ने, इहदा छुटकारा है, इहदा परमानेंटली होणगे इत्थों दे दुख बीमारियां, इह साडे जीवन का एक हिस्सा है। जे किसी के जीवन च कोई दुख है या कोई बीमारी है, यह जीवन का हिस्सा है, ये आनगियां जाणगियां, धरमी दे उत्ते औंकड़ा आउणगियां, ये जानगियां भी। पर याद रखिए साडे नाल साडे कारोबार ने,
साडे बिजनेस ने, साडे धन दौलत ने, साडे पैसे ने, साडी शानो शौकत ने नाल नहीं जाना। साडे नाल सिर्फ इको ही चीज आनी है, वह है यीशु मसीह का नाम। बाइबल दे विच लिखा जो कोई उहदे ते विश्वास करेगा और नाश नहीं होगा बल्कि बचाया जाएगा, अनंत जीवन सदा का जीवन पाएगा। इस जिंदगी दे विच जो कि बीमारियां दुख ने यह सब मिटाए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से होंगे ने। यीशु मसीह करेगा इन्हों दुखों तो सानू आजाद करेगा। बाइबल दे विच लिखा वो तेरी अखियां दे विच सारे हंजुआ नू पूंझ देगा, यह सब मुक जाएंगे। पर सानू जरूरत है तैयार होने की, तैयार कदे लई होना उस आखिरी न्याय दिन दे लई। बाइबल दे विच लिखा यहूदा दे लोकां नू आखदे उह न्याय दा हुण दिन आउण वाला है, उत्थे जाके पता लगेगा केड़ा धर्मी है और केड़ा पापी है, किन्ने यीशु मसीह नू अपना पूरी रीति नाल जीवन दिता और किन्ने नहीं दिता। यहोवा दा क्रोध उस समय भड़केगा। जब असीं बाइबल कॉलेज च पढ़दे सीगे सानू सिखाया जांदा इस समय नू की आखदे ने, जिहड़ा इह युग चल रिहा इहनू गोल्डन पीरियड कहिंदे आ, सुनहरी युग, दया का ग्रेस पीरियड, मतलब अनुग्रह का समय। अज साडे कोल समा है कि असी यीशु मसीह दे कोल आईए, अपने जीवन दे विच अपने गुनाह का इकरार करिए, उहदे घुट के पला फड़ दीए और उहनू छड्डीए ना, उहनू त्यागीए ना। यह नहीं हुंदा कि साडा काम बन गया तो असी उहनू छड्ड दीजिए। जबूर जब असी कल भी पढ़े सी जबूर 119 दे 72 आयत दे विच लिखा कहिंदा भला होया कि मेरे उत्ते दुख आया। वो दुख दुख नहीं जो सानू परमेश्वर नाल जोड़ दे, वो दुख दुख नहीं जो सानू सच्चाई नाल मिला दे। हालेलुया, सानू सच्चाई जान। बाइबल दे विच लिखा सच्चाई नू जानो तां सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। सच्चाई एक ही है, वह है यीशु मसीह। जब असी दुनियादारी, जब असी किसी रेहड़ी पर जाने या किसी फ्रूट वाले को जाने, किसी सब्जियां वाले को जाने, तो असी उस जगह दे, एक प्रभु दे दास ने बड़ी अच्छी गल आखी, उन्होंने आखिया जब असी जाने तो उस जगह दे उत्ते असी चुन चुन के आलू चुनते हैं, सब्जियां चुनते, बेस्ट चीज़ चुनते हैं। तो पर जब गल मनुख नूं उस रब नूं लभण दी आ जाती है तो फिर जब वह काम बन जाता फिर कहता कोई नहीं, सारे रब इको जी है, सारे इको जी है, इको बने असी ना, इको जिंदगी है। जेकर उस जगह के उत्ते जाना याद रखिए, हो सकता वह चीज़ा सारिया बराबर हो, सारे रब इको हो, पर यीशु मसीह नहीं होगी। यीशु मसीह उस चीज़ तो अलग है। यीशु मसीह सच्चाई है, वह जिंदा है, वह मरिया नहीं है। आख्या उहदा आखिरी दिन आण वाला, इस करके अपने पापा तो तौबा करो। इस यहूदा दे लोकां नूं परमेश्वर ने आख्या, बाइबल दे विच लिखिया 3:9 दे विच लिखिया कहिंदा सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे, मेरी तितर बितर की हुई प्रजा से विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। आखिरी गल, जेकर साड़ी जिंदगियां दे विच पाप बदियां ने, गुनाहगारियां ने, दुख ने, परेशानियां ने, उहदी क्षमा इस वक्त है। असी मन लीजिए और छड़ दीजिए और यीशु मसीह नूं घुट के फड़िए। बाइबल दे विच लिखा कहिंदा मेरे अगे प्रार्थना करो, उस यहोवा दे क्रोध दे दिन तों बचना चाहुंदे हो, नरक और स्वर्ग दा इख्तियार यीशु मसीह दे हत्थ विच है। असी न्याय दे सिंघासन अगे खड़े होना, की आखांगे असी खुदा नूं जाके कि असी तेरे लिए की कीता। इस करके यहोवा कहिंदा हुण भी समा मेरे वल मुड़ो और प्रार्थना करो, मोढे नाल मोढा ला के एक दूसरे का साथ दीजिए। यह समा सोचण दा नहीं है, यह समा वेले बैठण दा नहीं है, यह समा अपनी फाइनैंशियल, अपने कारोबार, मैं ये नहीं आखदा कारोबार नहीं चलाना चाहिए, घर बार भी चलाना, यह नहीं कि साडा पूरा फोकस साडे बिजनेस उत्ते होवे, यह नहीं होना चाहिए साडा पूरा फोकस अपने कम्मां वल होवे, साडा फोकस साडियां लालसावां वल नहीं होना चाहिए, साडा फोकस साडे दुखां वल नहीं होना चाहिए, पर साडा मेन मुद्दा जो है, साडा मेन फोकस है, वह है यहोवा परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु दे उत्ते होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल दे विच लिखा जेड़ी जान पाप करेगी सोई सताई जावेगी। एदा मतलब जेड़ी जान पाप नहीं करेगी वो सताई नहीं जावेगी। और आख्या जो कोई भी उहदे विश्वास करता है वह बचाया जाएगा। इहदा मतलब जो कोई विश्वास नहीं करता यीशु मसीह उत्ते ईमान नहीं लिया अपनी जिंदगी चों मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करता जो कोई उहदा पल्ला नहीं फड़ेगा और नाश किया जाएगा। आइए आखिरी आयत नूं पढ़ांगे उस तो बाद समाप्त करांगे। बाइबल दे विच लिखा प्रार्थना करो, प्रार्थना करके अपने आप नूं खुदा दे दिन दे लई तैयार करो, परमेश्वर की बाणी के अनुसार जीवन चलो, पवित्रताई अपनी जिंदगी चो पाप बुरियाई बुरा देखना बुरा सुनना बुरा बोलना बुरा करना जो साढ़े मन में विचार ने यह बुरी चीज़ों तो सानू की होना जित हासिल करनी है। जब भी बुरा ख्याल बुरा विचार होता तो असं यीशु मसीह को याद करिए कि यीशु मसीह तेरी दया के अनुसार मैं बचाया गया और इस चीज़ को मैं अपनी जिंदगी चो दूर करता। अपना ध्यान उस वक्त प्रार्थना वाल लाइए, उस वक्त अपना ध्यान खुदा की बाणी वाल लाइए। आखिरी आयत लिखा 3:14 दे विच लिखा यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। जेकर असी प्रार्थना कर लवेंगे अज अपने आप को खुदा की आमद दे ले खुदा में यीशु लिए तैयार कर लेंगे। बाइबल विच लिखा कि 15 दे विच लिखा यहोवा तेरे दंड नु दूर कर देगा। अज समा एक गोल्डन पीरियड सुनहरी समा जो साढ़े ते जो कोई रोग आ गए ने जो कोई बीमारियां आ गई ने यहोवा उन्हें दूर करेगा। अपना जीवन तो उन्होंने देिए, अपने आप में वो अगर समर्पण तो करिए। बाइबल दे विच लिखा सामरी उस पापण औरत ने जिन्हें बदकारियां की जिन्हें पूरे एरिए दे विच नाम की बदनामी होगी, उस औरत ने अपना पूरा इत्र, बाइबल दे विच लिखा उन्हें अपना पूरा इत्र जो उस समय बहुत कॉस्टली बहुत ज़्यादा महंगा सी उन्हें यीशु दे कदमां उत्ते तोड़ दिता। पूरा मतलब कंप्लीटली संपूर्ण संपूर्ण जीवन उन्हें दे दीजिए, अपना प्राण अपना शरीर अपना आत्मा दे दीजिए। आज तो बाद असी आसी ना रहिए साडे विच मसीह दिखना चाहिए। जब असी उन्हें अपना जीवन दे देंदे आ तो बाइबल दे विच लिखा मैं तेरे गुनाहों नूं माफ करदा हां। दूसरी गल तेरा शत्रु जे किसी कोई दुष्ट आत्मा का रोग है या कोई दुख है ये बीमारियां साडे शत्रु ने ये दुश्मन इंसान नहीं साडा विरोधी, साडा विरोधी वह शैतान है और दुष्ट आत्मावां ने साडे विरोधी और दुख ने साडे विरोधी और डिप्रैशन ने और साडे विरोधी जड़े और साडियां बीमारियां ने यही साडी बीमारियां ने। यहोवा वल जेकर मुड़ांगे बाइबल दे विच लिखा यहोवा इन्हां नूं खुद बेखुद दूर करदा जाएगा। और बाइबल दे विच एक गल लिखी कहिंदा इजराइल दे विच उहदा राजा सदा सदा लई रहेगा। इजराइल दा राजा इक्को ही है मसीह यीशु है। हालेलुया और साडे सारे दा राजा ते उहने सानू अपने राजकुमार और राजकुमारियां होण दा हक दिता। उस परमेश्वर ने यह वायदा किया तुसी मेरे नाल जब स्वर्ग दे विच जाओगे तो तुसी मेरे नाल बैठ के तुसी सिंघासन दे उत्ते बैठ के तुसी न्याय करोगे। हालेलुया असी उस राजकुमार राजकुमारियां दे उस राजिया दे राजे दे पुत्र हाँ, ओदियां पुत्रियां हाँ, ओदे बुलाए हुए हैं, असी ओदे चुने हैं। बाइबल दे विच एक गल लिखी आ सदे हुए तो बथेरे ने पर चुने हुए अज की रात ये तानू और मैनू सोचना चाहिए कि असी सदे हुए आए हैं कि असी मसीह वालों चुने हुए आए हैं। जेकर असी सदे हुए वालों आए हैं असी नाम के मसीह हाँ तो फिर याद रखिए परमेश्वर की गंधक और बलदी हुई अग साडे लई तैयार है। जेकर असी मसीह के चुने हुए हैं असी उन्हें कुट के पला फड़िया होया ओदे अनुसार अपना जीवन चला रहे अपना संपूर्ण जीवन ओदे हक्कां च दे दिता फिर याद रखिए परमेश्वर का स्वर्ग मेरे और ताडे लई है। सो प्रभु मैनू और तुहानू सारिआं नू इन्हां वचनां द्वारा बरकत देवे सारिआं नू।